हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, आपका साथी। एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि पुलिस के पेपर को लेकर जो चल रहा है, ये चीज़ हमारे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और जैसे कि संभावना बन रही है पुलिस का री एग्ज़ाम होना है, तो अभी से हताश ना रहें। जिन बच्चों ने मेहनत करी है, वो बच्चे अपनी मेहनत से इस री एग्ज़ाम को भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। और ज़्यादा टेंशन ना लें। मेरा ये कहना है कि अब अपना ज़्यादा समय ना गवाएं और अपनी तैयारी को सुनियोजित तरीके से बढ़िया और बेहतर बनाते हुए इस रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़िए। और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जो तैयारी अभी तक आपने की है, इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कराने के लिए एनपीसी एजुकेशन हब गुरुकुल पर संस्थान एक नए सिरे से, एक सुनियोजित तरीके से क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं और कल से क्लासें चल रही हैं। तो सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि अब अपना समय ना गवाएं और जल्द से जल्द संस्थान से जुड़ें। और जो नया फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। बाकी बातें हमारे चंद्रशेखर सर हैं, ये बताएंगे आपको। लीजिए सर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप जानते हैं आपके शहर में एनपीसी एजुकेशन हब काफ़ी समय से सेवाएं दे रहा है और बेहतर और क्वालिटी देने की कोशिश है। उसी नज़र में हमारे साथ सर, जो कि ठाकुर द्वारा से हैं, एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं। 100 से ऊपर, या मैं कहूँ 100 सिलेक्शन उन्होंने दिए। उनका अपना एक तजुर्बा और एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, उसके साथ सर ने और हमने मिल करके एक नई शुरुआत की है। इस शुरुआत को नया कह सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट नया नहीं है। आप सब सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक में तो ऑलरेडी है एनपीसी एजुकेशन अब आपके साथ जुड़ा हुआ है लंबे समय से। अब कंपटीशन को लेकर के एक एक्सपीरियंस के साथ और एक सही तरीके से, एक होता है पढ़ना, एक होता है वो पढ़ना जो एग्ज़ाम में आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा उसको ना पढ़ा जाए, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा पता करने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, राकेश सर जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं, साथ ही और भी टीचर हमारे साथ, जीएस की फैकल्टी, मैथ रीजनिंग के लिए सर आए हुए हैं, हिंदी के लिए और बेहतर आपको दिया जाएगा। उसके लिए एनपीसी एजुकेशन अब रिप्रेजेंट कर रहा है एनपीसी गुरुकुल को। ये ऐसा संस्थान बनाने की, ऐसा चीज़ चलाने की ज़रूरत है जहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हो, फालतू की दर की बात ज़रा सी कम हो। तो यूपी पुलिस को लेकर के जैसे सर ने कहा कि हम सभी ने कहीं ना कहीं वो चीज़ झेली है, कुछ के सामने साक्ष्य थे कि भाई चीटिंग हुई है, कुछ के सामने थे कि लीक हुआ है नहीं हुआ है, बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये फैसला मेरे और आपके करने से नहीं होगा। ये फैसला जब तक आयोग नहीं माने, बोर्ड नहीं माने, सरकार नहीं माने, आप और हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। फैसला सुनाना हमारी जो हद है उससे बाहर की बात है। अब इसी बात को पकड़ करके महीने भर को इसको लेकर के बैठ जाना, अपनी पढ़ाई को रोक देना, अपनी पढ़ाई का नुकसान करना, ये किसी भी छात्र या विद्यार्थी का मूल कर्तव्य नहीं है। तो हमें क्या करना है, उस बात से जुड़े रहना है। री एग्ज़ाम होगा तो हम सब नहीं देना है सर, और इंस्टीट्यूशन आपके साथ जुड़ा रहेगा गुरुकुल, और वो आपको उसके लिए भी मार्गदर्शित करेगा, मार्गदर्शन देगा। लेकिन अभी ये ज़रूरत है कि हमें अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अभी लाइन में लगी हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की तरफ नज़र हो, चाहे ग्रुप डी की बात करते हो, रेलवे टेक्नीशियन की बात करते हो, ALP की बात करते हो, या ऐसी अन्य कई भर्तियाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अग्निवीर सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में, जिसके फार्म अभी भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे उन्होंने जुड़ना स्टार्ट कर दिया है। बैच सर ने भी आपसे कहा कि 2-3 दिन से ऑलरेडी चल रहा है। तो हमारा अनुरोध यही रहेगा कि आप यहाँ आएँ और जो फ्री डेमो क्लासेस हैं 5 दिन की, उसमें आप ज्वाइन करें, ताकि आपको ये पहले सुनिश्चित हो जाए कि हाँ जी सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी समझ में आ रहा है। देखिए, टीचर सभी बेस्ट दर्जे के होते हैं, आपकी समझ में कहाँ आता है वो बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। समय की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। ये क्लासेस प्रातःकाल 9 बजे से शुरू हो जाती हैं, मॉर्निंग में 9 बजे से शुरू होती हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की, हर विषय की क्लास आपको रेगुलर मिलती है एक्सपर्ट्स द्वारा।
तो 9 बजे से आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। कहाँ ज्वाइन करेंगे? एनपीसी एजुकेशन हब का ही बिल्डिंग है, आप सब परिचित हैं, बिलासपुर रोड पर बचपन प्ले स्कूल के पास, यानी कि ऑन रोड है, जनता पेप्सी एजेंसी सामने है, उसके अपोजिट जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो एनपीसी एजुकेशन हब आपका अपना एनपीसी एजुकेशन हब है, आपको वहीं आना है। किसी प्रकार की और क्वेरी के लिए आप यहां पर फ़ोन कर सकते हैं, ये मैं एक नंबर आपको दे देता हूं। किसी को किसी प्रकार की और समस्या हो रही है कि सर मुझे तो इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा या मैं सही से जगह पता नहीं कर पा रहा, तो माफ़ी चाहूँगा एक सेकेंड, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9627552947। इस नंबर से आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आगे की बात मेरे साथ नरेश सर जुड़ रहे हैं, वो कहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा, बाकी चंद्र सर और आरकेश सर ने आपको काफ़ी बेहतर अच्छा समझाया है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ये जो फाउंडेशन बैच है, इसकी शुरुआत यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि आप ये जो हमारे क्षेत्र का आसपास का जो बच्चा है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप भली भांति समझते होंगे कि मैं यहाँ पर मिलक क्षेत्र के आसपास की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि हम ये देखते हैं कि जब भर्ती या वैकेंसी आएगी, जब उसका विज्ञापन आएगा, हम तैयारी तब करेंगे, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है। राकेश सर यहाँ पे इस फील्ड में कई सालों से इसमें लगे पड़े हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का बच्चा यहाँ पे इस बात को नहीं समझ पाता है कि उसको फाउंडेशन बैच की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। भाई जब आपकी जड़ मजबूत होगी तब आप जाके आगे काम कर पाएंगे, आपका जब बेस स्ट्रांग होगा। तो ये जो आगामी भर्ती हैं, देखिए यूपी पुलिस का जैसा कि राकेश सर ने बताया कि री एग्ज़ाम होगा, हम भी यही चाहते हैं कि अगर कुछ भी छात्रों के साथ गलत ना हो, अगर कोई भी गलतियाँ हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, तो छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है पढ़ना। तो एक तो अपॉर्चुनिटी री एग्ज़ाम हुआ तब भी आपको पढ़ना चाहिए, और री एग्ज़ाम अगर बाई चांस नहीं भी होता है तो जो UPPSC और UPSI की आगामी वैकेंसी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। मैं आपसे फिर ये बात कहता हूँ, दोबारा ये गलती ना करें कि जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे। NPC गुरुकुल राकेश सर एंड टीम आपके लिए पूरा यहाँ पर फाउंडेशन बैच लेके आ रहा है, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और जो चंद्र सर ने यहाँ पर टाइम आपको बताया है और बाकी जो भी डिटेल होगी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।